सचिन आप इंट्रोडक्शन दे इस नदी का। बहुत अच्छा। इस नदी के बारे में क्या क्या जानते हैं? ये नदी बहुत है, ये नदी में बहुत मतलब नहाने में बहुत मजा आता है भैया। हाँ हाँ, आगे और क्या आगे बताओ। कहाँ से आई है, कैसे आई है? ये बहुत दूर से नदी आई, हमें भी नहीं पता नदी कहाँ से, मैप पे देखूंगा कहाँ से आई नदी। अच्छा अच्छा, देवघाट का पूरा पुल है। मोहनगंज। तुम इस नदी के बारे में क्या जानते हो? इस नदी में मैं तैरना चाहता हूँ बस, और कुछ नहीं जानते। मछली मछली पकड़ते हो? नहीं नहीं। कब पकड़े? आशीष नाम है ना आपका? इनकी घड़ी नहीं होती। तुम कभी डूबे हो इसमें? हाँ, कहाँ पर डूब रहे थे? तीन चार बार डूबा है बंदा, एक बार मच्छी पकड़ने के चक्कर में डूब रहा था। हाँ, ओ, पहले पुल नहीं था ना, तीन चार साल पहले पीछे। रुक जा, एक एक बताओ ना। तीन चार साल पहले मतलब पुल नहीं था ना, जो बांस की लकड़ी चाली बनाते थे, उसी समय गड्ढा था उसमें चाली चाली, उसको बांस के पुल को। हाँ, जो वही समय ना बहते समय ना गर्रार बन जाती, गड्ढा गड्ढा बन जाता। अच्छा, फिर निकला, बचाए। कौन कौन बचाया? अरे बचाए ढेर लोग थे, सीलू भाई थे। सीलू भाई थे। अच्छा, ये किसका घाट है? एक देवघाट घाट है। देवघाट देवघाट है बिल्कुल। वहाँ पे एक मंदिर है, वो थोड़ा थोड़ा दिख रहा है लेकिन पूरा नहीं आ रहा। और आप बताओ, यहाँ पर पहले नाव लगती थी? नाव। अच्छा, नाव यानी बोट। जी अच्छा, आगे आगे किन्नी नाय खेलने वाला, जो नाय जो नाय मल्लाह जो होता है उसका किन्नी नाम था। प्रतापगढ़ की जीवन रेखा अर्थात सही जो जिंदगी देती है प्रदेश के कुछ सबसे ज्यादा आबादी वाले इलाके को। यहाँ पर इसे माँ माना जाता है क्योंकि यहाँ के आसपास की भूमि में गेहूँ, सरसों, मटर, आलू और अनेक प्रकार की फसलों का उत्पादन बहुत ही ज़्यादा मात्रा में किया जाता है। सई नदी का उद्गम हरदोई के विभिन्न झीलों से मिलकर हुआ है और यह लगभग 563 किलोमीटर का यात्रा तय करके गोमती नदी में समा जाती है। नदी के आसपास का दृश्य बहुत ही सुंदर है।